सिणगारी माता सिमर पल्लू की रमोटी राय देखो सरवण सिंह
सियो नाथ जी सुन लो मन रंगी मेरी बात ना थोरे सुन लो मन रंगी बात आहा बोले रे पीपर को सयो क्या के मेरे ए बालकियो जलमियो सरगो को मैं काटू काटू नाम मैं तोरे को मैं काटा रे हो नामे आहां रे सेवा करे लो काली माए दिने आ सरवण जियो सरवण जी रे मन में हो गया रहूं श्यार देखो जोशी ने सोने की सुपारी दे दिया माई को चलो तिल तिल भटे तो जाय देखो रे तिल तिल भटे तो सेवा तो करे गौ मां आए अब राम श्याम
बोलिए गोविंदा देव महाराज की शिवा महाकाली की जय हो। अब सजनों पोखर जी गए पुत्र भैया श्रवण नाथ और श्रवण नाथ जी ने शेरुने गांव में चंदेल गोतर माता श्रृंगारी के साथ भाव मांडे। अब समय बीतता गया, माँ श्रृंगारी की कोख से चंद्रमा जड़ी सुरत पुत्र रतन प्राप्त हुए। बड़ी खुशी मनावे नाथ परिवार में भगवान बैठो दियो है। आंकड़ा खाट दे रखा, अंदन लक्ष्मी भरपूर भंडार भरोड़ा सुख संपत्ति भरेड़ी है और भगवान पुत्र दियो है। पंडित जी महाराज ने बुलाया, दादा थारा वेद देखो, एर मारे बाले को नाम कढ़ाओ। पंडित जी महाराज वेद पुराण देखता हुआ, हेलो कियो, हे नाथ जी मनिया लागे जन थारो तो पुरबला भागी जा गया। उसको पुत्र जलमियो है, जलमियो बार सोमवार, अरे बहुत ही भले नखतरा बाल को जलम लियो है और इनको नाम है जाओ भगवान गोविंद के नाम पर गोमंदी रखो। इन नखतर में का तो भगवान रामचंद्र जी का जलम हुआ, भगवान कृष्ण का जलम हुआ और बीन अख्तर में थारे बालक जलमे हुए हैं। मनिया लागे थारी चारों कूट में जय जयकार करवा दे। अब सजनों श्रवण जी बड़ा प्रसन्न हुए, अर्पण जी महाराज ने बड़ी दान दक्षिणा दे दी है। अब देखो पुत्र को नाम गोमंद रखे, गोमंद दादो किया तिल बदनता बड़े, अर मां काली की सेवा लागे और बिना माता श्रृंगारी ने भगवान के घर को हेलो आवे। हाँ दजी एक बरसीरा होवे ओ जन माता लाडल डबे, गोमंद जी एक बरसीरा होवे गोमंद दादो एक बरसीरा होवे। पटवा सावे
गुरुवाकन पंडवा जावे गीतारो ज्ञान सिखावे गुरु गीता वालो ज्ञान सिखावे तिल बड़ता चुंब प्यारे बड़त बड़त भट जा आपो समाया गोमंद जी भया भर जो बन के माया गोमंद दादो गोमंद दादो गोमंद जी सात बरस का होवे गौआ की सेवा लागे गोमंद दादो हाँ गौआ की सेवा माता काली जी मनावे काली जी की तो लगावे जगदम्बा की से फुलावे बढ़त बढ़त बढ़ जा आपो समाया गोमंद दादो भया भर जोबन के सजनों 5 वर्ष की उम्र में हुए तो गुरुजी के पढ़वा जावे और गुरुजी की तालो ज्ञान सिखावे और 7-8 वर्ष की उम्र में होया गौआ की सेवा लाग जाए क्यों मेला वही धनो गौ की सेवा करे माँ बाप का आज्ञाकारी है और माता शनगारी है जो कह रही है बेटा गोमंद गाया की सेवा कर पर सागे अपने कुल की धनियानी है बेटा माँ काली को उपयोग करा कर शक्ति ने मनाया कर शनगारी माता सेवा करे सजनाओ बहुत सा दुख कटिया सन 70 गए मां एक महामारी आई जगह आसपास का गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ पूरी नगरी में चिंता छा गई कि कोई इलाज नहीं है बहुत सा मिनख मरण लाग रहे है मां जगदम्बा एक दिन प्रभात के टाइम आ गए आओ माता शृंगारी ने कहो बेटा नगरी के लोगों ने कह दे कि नगरी अबार घर का से दूध की मेरे नाम की कार है लगा दियो जाओ थारो बाली बन को होन दियो सायरो सुनेड़िए कवि लोगों को नु भक्त लोगों को नु माता शृंगारी सुबह उठो आओ श्रवण जी ने बात बताई कि यहां शक्ति आवाज करी है हैरान अपने ये है गांव गज का गणमान्य लोग है मन बता दियो मानसी तो बांगी इच्छा ना माने तो बांगी इच्छा श्रवण जी कहो भैया करके मारी अर्धांगनी शक्ति की सेवा करे और शक्ति यहाँ आवाज लगाई है तो सायरो नगरी का लोग भी माने नगरी के बाहर कर कार लगाई बी टाइम भी महामारी में सारे गांव में बहुत सा नुकसान हुआ बहुत सा मिनख मरिया एक सरायण गांव एडो है
जगह में एक की कोई बाली मार को नहीं हो। सभी को मात भवानी की सजनों, माता श्रृंगारी सेवा करता गया और बुढ़ापो आ गयो है और भगवान के घर को एलो आवे जी टाइम श्री रेन वृद्धा पड़ गयो तो गोमन जी ने बोला और एलो करो बेटा ये आया है सो जाओ सी राजा रंग फकीर। बेटा जानो पड़ेगा भगवान को आदेश आ गयो यहाँ करी तू देवी की सेवा करी है माँ जगदम्बा को जब धूपियो अटला अपने परिवार में है बेटा इन चुकन नहीं देनो शक्ति न मनानी है। सायरो गोमन दादो की सेवा करे 65 साल शक्ति की सेवा करी सभी को गोमन दादे महाराज की जय हो। अब समय बीत तो गयो गोमन जी नहीं भगवान के घर को हेलो आगे शरीर छोड़ गया सुरगाम पड़ा रहे। अब ये देव ये जो भक्त है देव रूपिया भगवान को आदेश ले और वापस सरायण में आवे। गोमन दादे का भैया बालनाथ आगे हेलो करो वीर वीर नीन बिडा बालनाथ जी गुजर भाई कौन है तू किया भया भया का मिलन हुए और गोमन दादो पहलो चमत्कार आपके भाई ने दिखावे किया ये परिवार का लोग माने एक बार